न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे ओडीआई मुकाबले में उमरान मलिक ने फेंकी दुनिया की सबसे तेज गेंद। 190 किलोमीटर प्रति घंटे की गेंद डालकर उमरान मलिक ने पूरी दुनिया के होश हवास उड़ा दिए। दोस्तों, इस खबर की पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, भारतीय टीम के स्पीड स्टार उमरान मलिक ने तीसरे ओडीआई मुकाबले में एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा ओडीआई मुकाबला आज इंडोर के स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले में उमरान मलिक ने सबसे बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि उमरान मलिक ने अपने 10 ओवर में 35 रन देकर 5 विकेट चटके। इसके साथ ही उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम को मैच 112 रन पर समेट दिया। जी हां दोस्तों, उमरान मलिक के इस प्रदर्शन के चलते उनको इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। आपको बता दें कि उमरान मलिक ने इस मुकाबले में सबसे तेज गेंद डालने का भी रिकॉर्ड बना दिया है। आपको बता दें कि भारतीय टीम के लिए सबसे तेज गेंद डालने का रिकॉर्ड पहले भी उमरान मलिक के नाम था, और उमरान मलिक ने अपना पिछला रिकॉर्ड भी इस मुकाबले में तोड़ दिया है। तो दोस्तों, जिस तरह से उमरान मलिक गेंदबाजी कर रहे हैं, वे जल्द ही दुनिया के सभी गेंदबाजों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। वे दुनिया के सबसे तेज गेंद डालने वाले गेंदबाज बनने ही वाले हैं। आपको बता दें कि भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 9 विकेटों से जीतकर इस श्रृंखला को भी 3-0 से अपने नाम कर लिया।